आप क्लासिकल गा रहे हैं तो आप यही तान ऐसे गाएंगे। लेकिन यही चीज अगर आपको लाइट में गानी है और हरकतें लेनी है छोटी छोटी, तो इतना पंच, इतना फोर्स नहीं आएगा। हल्का लिया, लेकिन यही क्लासिकल में जो आपके स्वर हैं अ आ ई ई, उनको इन 12 स्वरों में गाइए। अब इसको अलग अलग तरह से किया जा सकता है इन 12 स्वरों का इस्तेमाल करते हुए। की पॉइंट्स क्या क्या हैं याद रखने के, कि आपको आकार में, ईकार में, ऊकार में, हर तरह के जो साउंड है, वॉवल्स हैं, उसमें आपको अपना अलंकारों का रियाज करना है। आपको वैरागी भैरव में वो सुरों को लगा के उस तरह से रियाज करना है, और ये वोकल डायनेमिक्स जो है, यानी फेड इन फेड आउट, इसका रियाज करना है। मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल, सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप का। वॉइस कल्चर, वोकल डायनेमिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग जानकारी चाहते हैं, जिनके बारे में हर कोई बिगिनर सिंगर हो या भले ही वो थोड़ा सीख चुका है सिंगर, वो भी जानकारी चाहता है कि कैसे आवाज़ का थ्रो हो, कैसे आवाज़ का पंच हो, कौन सा सुर किस तरह से लगाया जाए, और आवाज़ में बदलाव कैसे किए जाए, वॉइस मॉड्यूलेशन, साउंड का, पिच का मॉड्यूलेशन, और कैसे वो डायनेमिक्स आए, यानी अब वो क्या सारी चीज़ें होती, वो मैं इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा वोकल डायनेमिक्स, वॉइस कल्चर, साउंड मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें एक सिंगर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी हैं, और एक किसी और भी, भले वो तबला वादक है या फिर वो हारमोनियम वादक है, उसके लिए भी, कोई भी साज अगर वो बजाता है तो साउंड में कैसे मॉड्यूलेशंस किए जाने चाहिए। मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। सारा संगीत जो है ध्वनि पे टिका है, यानी कि साउंड पे, साउंड का ही प्रोजेक्शन है जो कुछ है, वो साउंड आपके अंदर से निकलता है। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपकी थ्रोट, आपके लंग्स, ये सारी चीज़ें काम आती हैं साउंड को प्रोजेक्ट करने के लिए, और आपका मुंह है ना, ये प्रोजेक्ट करने के लिए, भले वो सुर यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी भी बैठी हो, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए ये गला और ये मुंह ही है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से वो साउंड बाहर आता है। किसी भी साज में भी यही है कि भाई आप साउंड, कोई कुछ एक एक्टिविटी होगी उसके थ्रू साउंड प्रेस होगा, है ना, साउंड प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि सितार है या कोई भी तंत्र वाद्य है, कोई भी तार वाद्य है, उस तार में अगर आंदोलन होता है, उसे आप छेड़ेंगे तो उसका कंपन होगा, उसमें एक आंदोलन होगा जिसके द्वारा ध्वनि बाहर आती है। हारमोनियम है तो उसमें आप की जब प्रेस करते हैं तो हवा के थ्रू साउंड बाहर आता है। तो ये साउंड प्रोजेक्शन का ही सारा खेल है संगीत में। तबले पर भी आघात करने से उसमें कंपन होता है, उसके चमड़े में, जिसकी वजह से साउंड बाहर आता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से साउंड बाहर आ रहा है, और साउंड प्रोजेक्शन जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा गाते हो, वो सामने वाले तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो जाहिर है वो निरर्थक है, है ना, कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी गायकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके सामने अगर आपसे 10 फीट या 20 फीट दूर कोई बैठा हुआ या ऑडियंस बैठी है तो आपका साउंड वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, यानी प्रोजेक्शन आपका कमज़ोर है। तो आपकी एक ही कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, कहीं ना कहीं आपकी एक खामी है जिसे आपको सुधारना चाहिए, और यही सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगा आपको वॉइस कल्चर, वोकल डायनेमिक्स और साउंड मॉड्यूलेशंस के अंदर। देखिए, एक ही सुर को लगाने के कई तरीके होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना एक अलग बात है, उसको सुर लगाना कहेंगे हम, कि वो फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक साउंड फ्रीक्वेंसी आपने देखी, एक पिच आपने देखा जो आपको सुनाई दिया एक समथिंग हर्ट्ज में, ठीक है। अब उसको जब आप मैच करते हैं तो आप मैच कर सकते हैं, पहले सुनेंगे फिर मैच करेंगे, सा, तो आपने देखा ये पिच मैच हो रहा है बनिस्बत इसके, सा, ये दो अलग अलग सुर थे, मेरे गले से अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही थी और हारमोनियम पे अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, तो इन दोनों को मैच करना एक बात है,
अब इसका प्रोजेक्शन बदलना अलग अलग बात है। इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा, आपने सभी ने वीडियो प्रोजेक्टर देखा होगा, एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर एक मशीन से रोशनी के थ्रू एक चीज़ प्रोजेक्ट होती है, कोई भी आपकी फिल्म है या कोई भी पीपीटी है या कोई भी इमेज है, वो प्रोजेक्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। अब अगर वो स्क्रीन छोटी है तो वो प्रोजेक्शन छोटा होगा, जैसे ही स्क्रीन बड़ी हो जाती है तो वो प्रोजेक्शन का मुँह वाइड हो जाता है। तो यही चीज़ें हमारे गायकी में भी आती हैं, हमारा प्रोजेक्टर क्या है, ये मुँह। तो ये जितना ज़्यादा खुलेगा हमारा प्रोजेक्शन, जो हमारा साउंड है, वो उतना ज्यादा बाहर आएगा। अब उसमें ही हमें स्टेबिलिटी लानी है, जैसे कि अगर हम सा बोलते हैं सा, तो आप देख रहे हैं मैंने इतना सा मुंह खोला है। अब मैं धीरे धीरे इसे वाइड करूंगा तो आप ये देखिएगा कि उस ही फ्रीक्वेंसी के कितने सारे प्रकार बन सकते हैं और साउंड कितनी तरह से बदल रहा है उसी सुर पर। सा, आपने देखा इस तरह से वो धीरे 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 खुलता गया है ना। तो ये क्या है, ये साउंड प्रोजेक्शन है और यही वोकल डायनेमिक्स होते हैं। वोकल डायनेमिक्स मतलब कहाँ आपको फेड इन करना है, कहाँ फेड आउट करना है, कहाँ लाउड जाना है, कहाँ लो करना है, कहाँ उस आवाज को दबा लेना है। सुर वही रहता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, जैसे कि ग म ध नि, आपने देखा अचानक से मैंने अपनी वॉइस लो कर ली, आवाज़ दबा ली, उसका फोर्स, उसका पंच जो है वो कम कर दिया, प्रोजेक्शन जो है वो कम कर दिया। मैं इसी को ऐसे भी गा सकता हूँ, और इसी को आपने देखा दो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शन थे, सुर दोनों में समान लग रहे हैं। यही समस्या आती है अक्सर, उमूमन ये सिंगर्स के साथ दिक्कत होती है कि उनका प्रोजेक्शन थोड़ा कमजोर है, क्योंकि उनका मुंह कम खुलता है तो साउंड बाहर कम आता है, और यही वोकल डायनेमिक्स भी है। कोई सुर जो कहता है कि भाई तार सप्तक में हमारा नहीं लग रहा या खरज में नहीं लग रहा है, वहां भी वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो काम आती है। मैंने हारमोनी पे जो वीडियो दिया था उसमें मैंने समझाया था कि जब हारमोनी गाई जाती है तो फ्लैट और हल्की गाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रही है। इसी तरह से अगर आपका कोई लीड वॉइस चल रही है, लीड कुछ गाना चल रहा है, उसके बैक में आपको बैक वोकल्स देने, बैकिंग वोकल्स जिसे कहते हैं, या फिर आलाप देना है, तो वहां पर आपको हल्का सा आवाज़ को दबाना पड़ता है। इसे कहते हैं डायनेमिक कंट्रोल, है ना, कि वो कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। और ये आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तब भी ये सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें सीखने की है वॉइस कल्चर, वोकल डायनेमिक्स, कि कैसे माइक्रोफोन पे गाया जाए, कैसे डायनेमिक माइक्रोफोन पे और कंडेंसर माइक्रोफोन पे फ़र्क होता है गाने का, और कौन सा, और ये वोकल डायनेमिक्स कहाँ काम आते हैं, जब आप अलग अलग प्रकार की सिंगिंग स्टाइल्स गाते हैं। आप क्लासिकल गा रहे हैं तो आप यही तान ऐसे गाएंगे, लेकिन यही चीज अगर आपको लाइट में गानी है और हरकतें लेनी है छोटी छोटी, तो इतना पंच, इतना फोर्स नहीं आएगा। हल्का लिया, लेकिन यही क्लासिकल में हल्की सी गमक जो है, गमक, फोर्सफुल गमक आपको इसमें लगाने को मिलती है। तो ये कुछ कुछ फर्क हैं क्लासिकल के, और कुछ कुछ फर्क हैं लाइट म्यूजिक के गाने के, सुगम गाने के, और ये फर्क वोकल डायनेमिक्स का ही है। अब वॉइस कल्चर को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप एक ही सुर को अलग अलग तरीके से लगाने की कोशिश करिए। यही सा मैं इस तरह से लगाता हूँ, इसी सुर को मैंने देखिए दबा के लगाया तो ऐसा, और यही अगर मैं फोर्सफुल लगाऊं तो अब इसी को मैं और फोर्सफुल लगाऊं तो यही सुर इतना दम से भी लगता है और ऐसे भी लगता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी फेड इन फेड आउट की, हर एक सुर पर ये एक तरह से ये हुआ, रबर बैंड को खींचा और रबर बैंड को वापस यूं कर दिया, है ना। ये इस तरह की एक्सरसाइज है, ये आप भले ही अपनी ट्राई कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वैसे भी आ जाती है, ज़रूरी नहीं है इन एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली किया जाए। वैसे भी जब आप गाते हैं, चीज़ें गाते हैं, और अगर सोच समझ के गाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब वॉइस कल्चर में आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल के जो आलाप लिए जाते हैं उनमें आकार का तो इस्तेमाल होता ही है, साथ में ईकार, ऊकार, एकार, इन सब का भी इस्तेमाल होता है। अब आकार मतलब कोई भी ध्वनि को आ के साउंड में गाना, है ना, कोई भी तान
गान है या कोई भी आलाप है, ईकार मतलब उसको ई के साउंड में गाना। तो आप देखते हैं कि आलाप लेते समय शास्त्रीय गायक अक्सर ऐसे गाते हैं, रे ना रे ना ता ना ता ना री री ता ना रे ना ना, है ना। ये जो र न त न ऐसे ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये मैंने पिछली बार भी बताया हुआ एक वीडियो में, पर्टिकुलरली इस बार भी बता देता हूँ। ये एक मंत्र है, ओम श्री अनंत हरि नारायण, ये घरानेदार चीज़ें होती हैं शास्त्रीय की। इसी मंत्र को स्लो में अगर गाया जाता है एक एक अक्षर पर आलाप लेते हुए, उसको विस्तार करते हुए, तो ये मंत्र जो है इस तरह से मैं तब्दील हो जाता है, कैसे, ओम श्री अनंत हरि तरण तारण नारायण है नारायणानंद ए नारायण हरि। तो आपने देखा ऊपर के सुरों पे जब मैंने गाया तो मैंने री का इस्तेमाल किया, न कि आ का, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो साउंड है उसको अगर मैं मुंह ज़्यादा खोल दूंगा और प्रोजेक्शन ज़्यादा लाउड हो गया तो वो सा जो है वो स्पष्ट नहीं निकलेगा, वो बेसुरा हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो उस सुर को कंट्रोल करने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, आवाज़ दबा देते हैं। लेकिन ये हमेशा का तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है सुर को सही लगाने का कि उसको दबा दो हमेशा। अगर उसको खोल के रियाज किया जाए बनिस्बत की दबा के, तो उसमें भी स्टेबिलिटी आ सकती है। जैसे इसमें भी वो स्टेबिलिटी है बनिस्बत की, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका रियाज उस तरह से किया गया है। तो अगर उसको ढंग से रियाज किया जाए तो वैसे भी स्टेबिलिटी आ जाती है, आवाज़ खुल जाती है। उसके बाद ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सिंगिंग को थोड़ा सा क्वालिटी में बदल सकते हैं ना, कि कौन सा शब्द किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए, कौन सा शब्द किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, वो सारी चीज़ें आ जाती है। और यही वॉइस कल्चर में भी आता है। वॉइस कल्चर में हम सिखाते हैं भाई शास्त्रीय संगीत में कि आप बारह खड़ी का या क ख ग घ ये जो मात्राएं हैं इनका रियाज किए किया कीजिए। कैसे? हम कहते हैं वैरागी भैरव लगाइए, ये मेरे पिताजी के द्वारा इजाद की गई टेक्निक है कि आप बारह खड़ी को जो आपके स्वर हैं, बारह खड़ी भी नहीं, जो आपके स्वर हैं अ आ ई ई, उनको इन बारह स्वरों में गाइए। यानी सारे कोमल मापनी कोमल सा, है ना, सारे मापा निशा में रे नी कोमल लगाते हुए आप अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अ ऐसे बारह गाते हैं। इसी को हम अक्सर उसमें भी देखते हैं कि लोग जब अलंकार करते हैं सारे गमा पदनिसा का रियाज करते हैं, तो इन बारह सुरों को इस्तेमाल करके उनका रियाज करते हैं। कैसे? आप देखते हैं अलंकार एक तो आकार में होता है, सा सारे गमा पदनी सा सा ने दा पा मा गा रे सा आ। अब इसको अलग अलग तरह से किया जा सकता है इन बारह स्वरों का इस्तेमाल करते हुए, है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग वॉवल्स अलग अलग साउंड्स के साथ इसका रियाज हुआ। तो अलंकारों को अब मैंने जब इसमें किया तो अब इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब आप ख्याल गाते हैं या कोई भी गाना गाते हैं तो उसमें अलग अलग शब्द आते हैं, अलग अलग अक्षर आते हैं, और उनकी कॉम्पोजिशन किसी भी पिच में, किसी भी स्केल पर हो सकती है, किसी भी सप्तक में हो सकती है। तो उस सुर को, उस अक्षर को उस सप्तक में बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे हम अगर
थोड़े बंद अक्षर जो है वो ऊपर के सुरों में बोलते हैं तो हमको आसानी पड़ती है जैसे ही, लेकिन खुले अक्षर जब हम ऊपर के सुरों में बोलते हैं तो तकलीफ होती है। जैसा कि भी मैंने करके दिखाया कि सा को लगाया तो री बोला, यानी ई का साउंड लिया बनिस्बत के आ के, क्योंकि आ में वो आवाज़ वहाँ फट जाएगी और वो साउंड थोड़ा सा यू नो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी फटाफटा सा लगेगा, तो वो ना हो इसके लिए हम वहाँ पे ऐसे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, ऊ है, ए है, है ना। ये कॉम्पोजिशन करते समय भी ख्याल रखना पड़ता है ये सारी चीज़ों का कि कौन सा शब्द है उसका कौन से ऑक्टेव में, कौन से सप्तक में उसकी कॉम्पोजिशन की जाए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस अनुसार जानी है, इस पर और भी चर्चा हो सकती है, पर ऑल इन ऑल ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं याद रखने के कि आपको आकार में, ईकार में, ऊकार में, हर तरह के जो साउंड है, वॉवल्स हैं, उसमें आपको अपना अलंकारों का रियाज करना है, आपको वैरागी भैरव में वो सुरों को लगा के उस तरह से रियाज करना है, और ये वोकल डायनेमिक्स जो है यानी फेड इन फेड आउट, इसका रियाज करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा सिंगिंग में, है ना। और यही साउंड मॉड्यूलेशन तबले में भी होता है कि कब आपको लाउड साउंड देना है, कब कम देना है, है ना, वो सारी चीज़ें होती है। तो साउंड मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस कल्चर के ऊपर कुछ बातें थी। ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल को और कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। संगीत धारा ऐप हमारा जो है उसे जरूर डाउनलोड करें, आपने उसका छोटा सा ग्लिम्स, उसका एक ऐड आपने इस वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था, उसे डाउनलोड कीजिए, और लाइव क्लासेस वहां पर अवेलेबल हैं, तो हमसे सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।